नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम आए हुए हैं राष्ट्रीय कुम्हार समागम जो यहाँ पर 900 चौराहे के पास हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी समस्याएं लोगों की हैं, इस पर हम बात करेंगे और इन लोगों से समस्याएं जानने का प्रयास करेंगे। और ये मीटिंग किस लिए हो रही है और क्या इन लोगों की समस्या है, क्या इन लोगों की रणनीति है, सारी बातें हम करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कुम्हार महासभा का जो यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं, कई राज्यों से आए हैं और कई प्रदेशों से और कई दूसरे देशों से भी कई लोग आए हैं, नेपाल से भी आए हैं। तो आइए, यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं और समझते हैं इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है। कार्यक्रम के बारे में बताइए सर जी। ये सर हमारे प्रजापति समाज का जो विभिन्न उपजातियों, हजारों सामाजिक संगठनों और सैकड़ों राजनैतिक धड़ों में बंट करके जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज जगह जगह जुल्म, जास्ती, अन्याय, उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। विकास की मुख्य धारा से वो वंचित होता जा रहा है। उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक उत्थान के उद्देश्य से एकीकरण का प्रयोजन चलाया जा रहा है। कल हमारा कार्यकर्ता समागम सम्मेलन होना है और ये आज उसी से संबंधित चिंतन मंथन का विषय है, जिस पर हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा 6 विषयों पर चिंतन मंथन करना है कि प्रजापति समाज जो विभिन्न धड़ों में बंट करके आज जीर्ण शीर्ण हुआ है, उनका एकीकरण कैसे संभव है, किन किन विषयों पर आपसी सहमति बन सकती है, जो पुराने हमारे संगठन हैं या सभी राजनैतिक दल हैं उसमें आपसी समन्वय कैसे स्थापित हो सकता है, उसी से संबंधित ये हमारा चिंतन मंथन का कार्यक्रम चल रहा है, जो विभिन्न दूर दराज से, अन्य राज्यों से, यहाँ तक कि नेपाल से तमाम साथी आए हैं, उनके बीच में हमारा आपसी राय मशवरा चल रहा है। सरकार से आप लोग की कोई मांग भी है? फिलहाल हम अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अच्छा। पीड़ा तो हमको बहुत है जी। आज जगह जगह जुल्म, जास्ती, अन्याय, उत्पीड़न हो रहे हैं। हमारा गरीब, कमजोर, आम तबका गवर्नमेंट के से द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। एक तरफ अत्याचारी हमारे गरीब कमजोर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, ऊपर शासन सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके, चाहे वो थाना हो चाहे प्रशासन हो, वहाँ अपना जैक लगा करके इधर नीचे अन्याय कर रहे हैं, ऊपर जैक लगा करके वहाँ से भी हमारे लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, इस बात की विशेष पीड़ा है। और राजनीतिक भागीदारी की बात हो या अन्य विषयों की भागीदारी की बात हो, हमें बिखरा रहने के नाते कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के पूरे देश का हमारा कुम्हार समाज जो बौद्धिक तबका है, वो बहुत दुखित है, बहुत पीड़ित है। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से यह बात सरकार तक अवश्य पहुंचे और उसे नोटिस में लिया जाए। यहाँ पे कुछ दूसरे राज्य से, जैसे राजस्थान से आए हुए हैं, तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। बताइए सर, क्या मांग है आप लोग, कहाँ से आप आए हैं? 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज गोरखपुर में हो रहा है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से, जैसा कि अनिल जी ने बताया कि पूरे प्रजापति समाज में विभिन्न संगठन बने, उन विभिन्न संगठनों को एकजुट करने के उद्देश्य को लेकर समाज की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज विभिन्न प्रांतों से जो प्रतिनिधि आए हैं, उन प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सुझाव के बाद जो आगे की कार्य योजना तैयार होगी, उस कार्य योजना को पूरे देश भर में हम लागू करेंगे, इसी बात को लेकर आज चिंतन मनन चल रहा है और ये देर रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। कल यहाँ बड़ा महासंगम होगा जिसमें पूरे प्रदेश से प्रजापति समाज के बंधु जुटेंगे और कल के बाद समागम के बाद में आपको जो भी कार्य योजना बनेगी वो आपकी मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। उसमें हम लोग इस समागम के माध्यम से पूरे भारत में एक आंदोलन, एक जिहाद छेड़ने जा रहे हैं और पूरा जितना भी हमारे, जैसे अनिल बाबू अभी बताए हैं, हम लोग एक बैनर तर आकर और एक झंडे के तहत आकर के हम लोग इसी बैनर के तले हम लोग उसी की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। सरकार हमारी कोई सुन नहीं रही है, चाहे किसी की सरकार हो, हमारे राजनीति भागीदारी नहीं मिल रहा है, हम काफ़ी दुखित हैं। हमारे बच्चियों का भी बलात्कार हुआ है, कोई नोटिस नहीं लिया गया और उस जो बलात्कारी हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, इससे हम लोग काफ़ी पूरे भारत के लोग दुखी हैं। मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम गुरु प्रसाद प्रजापति है, हम प्रदेश सचिव हैं बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति। वीरेंद्र कुमार कुहार, मैं नेपाल से, जिला रूपंदेही के, नेपाल प्रजापति कुम्भकार संघ के जिला सचिव जी। जी सर,
तो इस कार्यक्रम में आपका आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो राष्ट्रीय कुमार समागम होली मिलन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन जो गोरखपुर में जो हो रहा है, इससे क्या है कि हमारे नेपाल से जो प्रजापति समाज के हैं, आज से नहीं सदियों से लगाव जुड़ा है, एक रोटी बेटी का संबंध है जी। और ये संबंध हमेशा कायम रहे। प्रजापति के जो हम लोगों का जाति का जो संरक्षण है जी। वो चीज़ भारत देश के मतलब सरकार भी सुनवाई करे और जो संबंध है वो हमेशा बने रहे। इसके लिए आज जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके लिए हम अपने नेपाल प्रजापति कुंभकार संघ रूपंदेही जिला के तरफ से बहुत बहुत कुंभकार प्रजापति समाज का जय हो। कुंभकार प्रजापति समाज का जय हो। कुंभकार प्रजापति समाज का जय हो। मेरा नाम रामवचन प्रजापति है और मैं नेपाल निवासी रूपंदेही जिले रोहिणी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 लक्ष्मी नगर में मेरा घर है। पेशा से मैं सिग्रेटरी हूँ। एबीसी हिंदुस्तान सोशल मीडिया चैनल के संपादक मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा जो सहयोग बन पड़ेगा, जो भी मीडिया से संबंधित जो कार्य होंगे हम प्रजापति समाज के लिए करेंगे और हमारे साथ तमाम मीडिया चैनल वाले भी आए हुए हैं जो यहां की कवरेज करेंगे और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।